ना कोई तीसरा, बहुत ही जबरदस्त गुरुदेव है हमारे संजय मिश्रा। अरे गुरु वाह, मैं लेट हो गया था राजू वाले में, दिल्ली आ रहा था लेकिन इसे तुम जी शिकायत है बहुत, मुझे भी नहीं, शूट खत्म होने के बाद मुझे मैसेज कर रहा है लेकिन ऑल द बेस्ट। इसमें गाने और सब स्टोरी सब तुम्हारी नहीं, गाया इसे अच्छा। हाँ जी, हर कलाकार को चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है ना जैसे, तो धक धक होने लगती है। थिएटर में कहते हैं थर्ड बेल, तो वो थर्ड बेल का धक धक हर एक को होता है, होना भी चाहिए, डर होनी चाहिए। यार किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को कुछ कुछ होता है, किसी को ये डर होता है। सर आप कर लीजिए, मैं मिलता हूँ जी। अरे आप क्या दिक्कत है? राज जी पहले म्यूजिक डायरेक्टर था और अब डायरेक्टर हो गया है। एक म्यूजिक डायरेक्टर हिंदी में थे विशाल भारद्वाज, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, एक राज आशु है, इन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी। इनकी तरह स्टैंड अप कॉमेडियन, यस वाकई में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ यार, जो एक अलग हुनर है। सामने देखिए, एक अभी अभी जो टाइम चल रहा है वो एक कंटेंट सिनेमा का चल रहा है, लोग रियलिस्टिक देखना चाहते हैं, एक्शन और मार धाड़ ये तो बरसों से देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों ने, हमें लगा कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है और रूट से जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है, तो कहीं कहीं ये विचार मन में आया और ये फिल्म हमने बनाई। थैंक यू सो मच। यार ये बड़ा भारतीय परिधान है और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो आप अगर इस तरह के परिधान पहनेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे। जिस दिन यूरोप अमेरिका में हमारे ये परिधान पहने जाने लगे मज़ा आएगा, और गर्मी के दिनों में ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है ना? हाँ धन्यवाद। सुनील इधर आ। हमारी टीम, ये फिल्म है जैसे आप जानते हैं कि संजय जी, सान्याल जी और राजेश जी हैं मेरे बहुत, तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, और प्रोड्यूसर फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन में ही फिल्म की जो लागत है उससे 100 गुना ज़्यादा कमा लेंगे और हमेशा याद करेंगे वो तीन दिन, हाँ कितने अच्छे थे, और अगली फिल्म बनाएंगे वो 6 दिन हो सकता है। क्या कहना है संजय मिश्रा जी के, बढ़िया परफॉर्मेंस मिश्रा जी, और शर्मा जी के बारे में क्या कहें, मेरे साथ में अभी हम लोग देहाती डिस्को कर रहे थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान, और सान्याल जी के बारे में क्या कहें थिएटर के, तो ये पूरा जो ग्रुप है ये टैलेंट ओरिएंटेड फिल्म है। ऐसी एक हमारी छोटी सी फिल्म भी आ रही है गाली गलौज, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज आ गई है उसके खिलाफ है। जैसे आपने गजनी फिल्म देखी, गजनी में गजनी विलन है, वैसे हमारी फिल्म में स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज विलन है। तो गाली गलौज फिल्म है जिसमें आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है, ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। और वो तीन दिन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, भगवान करे ईश्वर करे। तारीख भी 3 है, 0-3-0 है ना, तो 3-0 इनकी कमाई 0-0 बढ़ती जाएगी, हो सकता 300 करोड़ फिल्म कमा ले। ऑल द बेस्ट, 3 चीज पर वो तीन दिन। जब ये मुझे फिल्म मिली थी तो सबसे पहले स्क्रिप्ट मिली थी,
स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी, और प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते ना हम, उसमें एक मिठास होती है, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ होती है, अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है, लेकिन एक मिठास होती है। ये फिल्म कुछ वैसी ही लिखी गई है। तो जब मैंने फिल्म पढ़ी मुझे लगा कि लॉकडाउन और ये सब, कोरोना और ये सब चल शुरू ही होने वाला था, हो रहा था, मतलब खबरें आने लग गई थी, तो लगा कि इससे अच्छा माहौल कुछ नहीं हो सकता जीवन को सूदिंग करने के लिए। और मैंने बगैर कुछ सोचे समझे पहले ही फिल्म साइन कर ली, और बाद में पता पड़ा कि इसमें इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, और मुझे फिर जब काम किया तो और मज़ा आया। और फिल्म बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, मतलब हम अच्छी बोलते हैं, तड़क भड़क बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्वीट फिल्म, सुंदर फिल्म, प्यारी फिल्म। और इसकी तुलना हम प्रेमचंद की कहानियों से कर सकते हैं, ये वैसी कोई कहानी है दिल के करीब। आप लोग, आई थिंक आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और मैंने ऑन पेपर देखी है, डबिंग पे देखी है, आज मैं आप लोगों के साथ पहली बार पूरी देखने वाली हूँ, सो टू एक्साइटेड, थैंक यू। संजय सर मेरे सीनियर हैं NSD से, तो ये तो पता था कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और काम करने में मज़ा आया था, उनके साथ परफॉर्म करना था पूरे टाइम, तो अपने आप में एक चैलेंज भी था कि नहीं कुछ तो अच्छा हो ही जाना चाहिए अब। एंड ही इज़ अपने आप में वो स्कूल है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आशु सर भी बहुत स्वीट है, उन्होंने हम लोगों को अपना पूरा स्पेस दिया काम करने के लिए, और हमारे भी सारे इनपुट्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया, सो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। थैंक्स। दोनों ही हैं, फीलिंग्स दोनों ही हैं, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, लेकिन रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो भी रिव्यूज़ अभी तक आए हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो उससे हिम्मत मिल रही है। राइटिंग की तारीफ हो रही है, CP ने राइट किया है फिल्म को, तो बहुत खुश हूँ। और संजय सर जैसे इतने सारे कलाकार, दिग्गज कलाकारों ने परफॉर्म किया है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और ऐसा लग रहा है कि आप जब फिल्म देखेंगे कि आम आदमी की कहानी है तो अच्छी लगेगी आपको, तो कहीं ना कहीं नर्वस भी हूँ लेकिन उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। सर, संजय मिश्रा सर को डायरेक्ट करना कितना इजी या डिफिकल्ट था, थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। देखिए, संजय मिश्रा सर जो हैं बहुत ही मतलब क्या, मैं उनको आर्ट की यूनिवर्सिटी कहता हूँ। तो उनके साथ क्या होता है कि हम जब डायरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत तैयार होना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत तैयार हैं, तो उनसे बात करने के लिए उनके लेवल पर आना, वो उसकी तैयारी करना और फिर उनसे सीखते जाना, ये बहुत मज़ेदार जर्नी होती है। तो मैं ही नहीं, उनके साथ जितने भी डायरेक्टर्स ने काम किया होगा 100% उनको बहुत मज़ा आया होगा, मेरे को भी वैसे ही हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे, सर से पूछा था कि एक्साइटेड नर्वस क्या फीलिंग है? भाई मेरे भी मिक्स फीलिंग्स हैं, एकदम एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। ऑब्वियसली ऑडियंस का प्यार चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, सो होपफुली एवरीवन विल लाइक इट। राज के साथ एक्सपीरियंस मेरा हमेशा अच्छा होता है, सो ऑब्वियसली ही सो कोऑपरेटिंग, और बहुत ही अच्छा था ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिल्म देखने आया है वो 3 दिन, बहुत पब्लिसिटी बहुत है इसकी, फिल्म देखने के बाद मैं आपको रिएक्शन दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जो है बहुत चलने वाली है, बहुत चलने वाली है, हाउसफुल होने वाली है। सर, एक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे सब मजे हुए कलाकार हैं, संजय मिश्रा जी हैं, सब मंझे हुए लोग हैं, तो इस फिल्म से बहुत उम्मीद है और 100% ये सक्सेस होगी। थैंक यू।